भाई देखा एक बार, अब क्या ही मतलब हुआ। आकर देखा तो उनके मृत उनकी पत्नी सोफे पर मृत पड़ी हुई है और उनके गले में रस्सी लगी हुई है जिनको किसी अज्ञात व्यक्ति ने रस्से से डालकर उनकी हत्या कर दी है। सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। जिला पुलिस अधीक्षक सरिता नरेंद्र महावर साहब भी घटनास्थल पर पहुंचे और करीब पुलिस ने 3-4 घंटे तक घटनास्थल पर रहकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। मौके पर जयपुर से एफएसएल टीम, एमओपी टीम और डॉग स्क्वाड बुलाया गया जिनको भी एसपी साहब के दिशा निर्देशन में उन्होंने काम करना शुरू किया। एसपी साहब के निर्देशन से इस वारदात का खुलासा करने के लिए वृत्ताधिकारी शाहपुरा श्री कमल जी के नेतृत्व में थानाधिकारी मनोहर कौर, थानाधिकारी अमरसर और थानाधिकारी शाहपुरा के नेतृत्व में विभिन्न टीमों का गठन किया गया जिनके द्वारा घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज, क्वालिटी एनालिसिस, इस तरह की घटना के वारदात करने वाले चालानशुदा अभियुक्त और थाने के एचएस को बुलाकर पूछताछ की गई। समस्त पूछताछ से ये पाया गया घटना के संबंध में घटना के जो मृतका के पति हैं वो अपने पारिवारिक कार्य से बाहर गए हुए थे और उसी समय जो शिव कुमार जो देवन का रहने वाला है वो सुबह उनसे मिलकर गया था। उसके बाद में उनके बाहर जाने के बाद में वह शिव कुमार वापस उनके घर पर आया, उनकी पत्नी से बातचीत करी और उनकी पत्नी को देवन में किसी पंडित के पास पारिवारिक परेशानी होने के कारण लेकर गया। करीब 1:30-2 बजे के आसपास ये पंडित से वापस घर पर आए। परिवादिया के जो परिवादी है उसके उसकी पत्नी ने उसको चाय बढ़ा के पिलाई और आपस में ये लोग बातचीत करते रहे। और चूंकि जो शिव कुमार है ये फाइनेंस का काम करता है, इसने परिवादिया के पति से करीब दिसंबर में 1 लाख रुपये और जनवरी में करीब 25,000 रुपये उधार लिए थे और चूंकि वो आर्थिक तंगी से परेशान भी था और मृतका के पति के द्वारा उससे ब्याज का तकाजा भी किया जा रहा था और हो सकता है कि मृतका के द्वारा भी उनसे पैसे की डिमांड की गई हो, इस कारण से परेशान होकर, आर्थिक तंगी से परेशान होकर शिव कुमार पुत्र श्री राजेंद्र कुमार जो शिव कॉलोनी देवन का रहने वाला है उसने रस्सी से मृतका की गला काटकर हत्या। इस प्रकरण में हमने शिव कुमार के पति ने अपने घर से करीब 15,000 रुपये और कुछ चांदी के जेवरा गायब होना बताया है। इस संबंध में जो गिरफ्तार किया गया है शिव कुमार उसे, क्योंकि इस प्रकरण के संबंध में मेरा मैसेज यही है कि व्यक्ति को एक संयमित जीवन बिताना चाहिए और ये जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति के पास पैसे हो, जितनी भी आमदनी है उससे वो अपना जीवन यापन उसको करना चाहिए। आमतौर पर जो क्रिमिनल माइंड होता है वो पूरी तैयारियां करता है कैसे पुलिस से बचेगा, कैसे आमजन से बचेगा, यानी वो सारी प्लानिंग से मर्डर करता है। लेकिन जितने कम समय में आपने इस मामले को खोल दिया है इसकी वजह क्या लग रही है? इसकी सबसे बड़ी वजह तो हमारी जो आजकल साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होने लग गई है और इसके अलावा सीनियर अधिकारी के नेतृत्व में अगर हमारी टीमें काम करती है, हमारी जो संपूर्ण पुलिस अगर उस काम में लग जाती है तो ये हो ही नहीं सकता कि कोई वारदात खुली नहीं। थैंक यू।